इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय मिली तो पांचों पांडव स्वयं को विजय का श्रेय देने लगे, अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण पांचों पांडवों को अपने बल पर अहंकार हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उन लोगों का अहंकार कैसे दूर किया, यही देखेंगे आज की इस मैदान में। पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बर्बरीक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और तब श्री कृष्ण ने फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांचों पांडवों को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा कि वह आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को 10 दिन में नष्ट कर सकते हैं, और अंगराज कर्ण की बातों पर विश्वास करें तो वो आप सभी को केवल 6 दिनों में सेना सहित मार सकते हैं। गुप्तचर की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचर को शिविर से बाहर जाने को कहा। फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अनुज, तुम लोग होने वाले इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। अपने ज्येष्ठ के मुख से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब। तब अर्जुन बोले, पितामह, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य है, क्योंकि जय और पराजय को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्ध गुरु द्रोण और कृपा तथा अश्वत्थामा से हमें क्या भय है। फिर भी यदि आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूं। उधर अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच पुत्र बर्बरीक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पितामह, अभी आपने आपने जो कहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रु अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकता हूँ। बर्बरीक के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की आंखें लज्जा से झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वत्स, भीष्म द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों से सुसज्जित कौरवों की सेना को तुम इतना शीघ्र परास्त कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अस्त्र है? कृपा करके हमें भी बतलाओ। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप जो मेरे तरकश में ये 3 बाण देख रहे हैं, इन्हीं बाणों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र बर्बरीक, मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आप ही बताइए कि मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रमाणित करूं। इसके बाद श्री कृष्ण शिविर में मौजूद पांचों पांडव भीमपुत्र घटोत्कच और बर्बरीक को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पीपल का एक विशाल पेड़ था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते लगे हुए हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने इन 3 बाणों से इस लक्ष्य को बेध दिया तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। फिर उसने अपने तरकश से लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए एक बाण निकाला और धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। पल भर में ही वह बाण उस पीपल के पेड़ में मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर तरकश में लौट आया। उस बाण के वापिस आते ही बर्बरीक ने जैसे ही उन पत्तों को काटने के लिए अपना दूसरा बाण तरकश से निकाला, उसी समय एक चिन्हित हुआ हुआ सूखा पत्ता धरती पर आकर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छिपा लिया। उधर पहले की ही भांति बर्बरीक ने दूसरे बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। देखते ही देखते बर्बरीक के इस बाण ने पल भर में ही उन सभी पत्तों को काट दिया जिन्हें पहले बाण ने चिन्हित किया था। परंतु बर्बरीक का ये दूसरा बाण तरकश में वापिस लौटने की बजाय श्री कृष्ण के पांव के पास जाकर रुक गया। ये देख बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे द्वारा चिन्हित पत्ते को अपने पांव के नीचे छिपा रखा है, कृपा कर अपना पांव हटा लीजिए, क्योंकि मेरे ये बाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। बर्बरीक की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बर्बरीक से कहा, पुत्र बर्बरीक, ये प्रमाणित हो गया कि तुम पल भर में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। ये सुन घटोत्कच सहित पांचों पांडव हैरान रह गए। फिर युधिष्ठिर सहित सभी पांडव श्री कृष्ण के समीप आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि
की बर्बरी हमारे पक्ष से युद्ध में भाग लेगा। तब श्री कृष्ण बोले, आप लोगों को जैसा दिख रहा है वो सत्य नहीं है। अर्जुन बोला, तो फिर सत्य क्या है वासुदेव? तब भगवान ने जवाब दिया, आप लोगों को सारी सच्चाई बर्बरीक ही बताएगा। फिर श्री कृष्ण के कहे अनुसार बर्बरीक ने सच बताते हुए कहा, पितामह, प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे रखा है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा। ये सुन भीम ने कहा, हे वासुदेव, शक्ति की गणना के अनुसार तो इस युद्ध में हमारा ही पक्ष निर्बल है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण भीम से बोले, हे मजले भैया, शुरुआत में आपका पुत्र बर्बरीक तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो ये आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और कौरवों की तरह आप सभी का भी विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर बर्बरीक ने उसी क्षण उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना शीशदान अर्थात प्राणदान देने को कहा। ये सुन बर्बरीक ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, मेरी एक इच्छा है कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हो सकूं और अपनी आंखों से इस युद्ध को देख सकूं। ऐसे में अब आप ही बताइए कि मेरी इच्छाओं का क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा, वीर बर्बरीक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरीक ने जवाब दिया, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। फिर उसने अपने तरकश से एक बाण निकाला और उसे संदान करते हुए ऊपर की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते पल भर में ही उस बाण ने बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गया। उधर बर्बरीक के शीश को कटा हुआ देखकर पांचों पांडव और घटोत्कच शोकाकुल हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथों से उठाया। उसी समय आकाश में देवी जगदम्बिका प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव को प्रणाम करते हुए बोला, हे वासुदेव, क्या आ गया है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, बर्बरीक के शरीर को अमृत से सींचने की कृपा कीजिए, ताकि वीर बर्बरीक का ये शरीर अजर अमर हो जाए। भगवान का आदेश पाते ही देवी ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींच कर अजर अमर कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। फिर बर्बरीक का कटा हुआ शीश भगवान कृष्ण से कहने लगा, प्रभु आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र मैदान के बगल में स्थित एक पर्वत की चोटी पर अपनी दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सर से कहा, हे शीशदानी, हे वीर बर्बरीक, तुम पर्वत की इस चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्म युद्ध को देखोगे और तुम ही एकमात्र इस युद्ध के साक्षी रहोगे। तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्म युद्ध की कथा जान पाएगी। हे शीशदानी, आज से तुम्हें मैं अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के उस शीश को प्रणाम किया और फिर वे सभी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर को लौट आए। अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्म युद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी महारथी मारे गए और पांडवों को जीत मिली।